वेलकम बैक टू अवर चैनल क्वीन माही 99। और आज है 3rd रमज़ान। और मैंने ना पिछले ब्लॉग में जब से कहा था कि हम जो वो वीडियो शूट नहीं कर रहे थे इंस्टाग्राम के लिए, तो वो मेरा जो मैंने सबसे पहले जो क्लिप चलाई वो मेरा मतलब सबसे अच्छा बना, मुझे पसंद आया, क्योंकि हमेशा तो मेरे वीडियोस दादा ही क्लिक, तो दादा को बहुत बोलने के बाद मतलब इतना एक जब हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, एक शॉर्ट सी वीडियो ही हो तो नहीं भी हो तो 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, कभी कभी तो 2 से 3 घंटा लग जाता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता तो मैं सही से टाइम नहीं दे पाती, मैं फटाफट जाके फटाफट से मुझे करना पड़ता है, क्योंकि नुहा इधर रोना स्टार्ट करती है। अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ लेकिन उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ना, तो काफ़ी हर टाइम ये तंग करते रहती है। तो खैर मैं अभी इसको चुप कराती हूँ, मैं बाकी की एडिटिंग बाद में करूँगी। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं जो है थोड़ा रेडी हुई हूँ। एक्चुअली हम लोग को था बाहर जाने का एक प्लान हुआ था आज, तो फिर दादा ना फ्री नहीं हुए तो हम लोग का जाना हो गया कैंसिल। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो जब रेडी हुई हूँ तो थोड़ा छत पे जाके थोड़ा शॉर्ट्स के लिए वीडियो कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं छत पर आई हूँ, अब पता नहीं मैं जब भी छत पे जाती हूँ नवाब और नुहा दोनों को उसी टाइम मतलब इतना है कि उसी टाइम उन दोनों को कैं कूँ कहाँ करना शुरू हो जाता है। और जो है हम यहाँ पे मैंने दादा को बोला कि मेरा एक स्लोमो ले, तो दादा मेरे स्लोमो ले रहे थे, तो इतना बार गलत 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 मैं उनको कह रही थी मुझे बीच में रखे, तो कभी मुझे हवा में लटका देते, कभी मुझे ज़मीन में गाड़ देते, मतलब हद है। उसके बाद फिर मेरे कुछ अच्छे आए शॉर्ट जो मुझे पसंद आए, एक ये वाला है और एक है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और एक ये वाला है। तो चले दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ अपनी मेहनत, जो मुझे वीडियोस बनाते वक्त जो मेहनत और दिक्कत और परेशानियाँ होती है वो ये है कि जब मैं वीडियोस बनाने जाती हूँ ना, तो एक नवाब नुहा दोनों एक तो वीडियो मेरे साथ बनाता है नहीं, अगर बोलो वीडियो बनाएंगे तो ये उधर दौड़ेगा ये उधर दौड़ेगा, ये ही सब इन लोग का लगा पड़ा रहता है। और अगर मैं कहूँ कि चलो मेरा वीडियो मैं बना लूँ और इन दोनों को मैं अकेले छोड़ दूँ, तो ये लोग अपने धुन में लड़ाई करेगा। तो खैर ये तो हर बच्चों का होता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग ही सबसे ज़्यादा। और गाइस ऐसा नहीं है कि मेरे पास जल्दी उसके बाद मैं गई नीचे, क्योंकि नवाब जो है दोनों ही लड़ाई कर रहा था, तो इसीलिए नवाब को जो है मैं अपने अब्बा के पास रख के आई। और मैं सोची कि चलो जब अब्बा इसको रख ही रहे हैं तो कपड़े चेंज करके और भी एक जो है थोड़ा सा वीडियोस बना लिया जाए, तो मैं आके चेंज करके आई और मैंने ये वाला पहना। और इसके साथ भी मैंने कुछ रील्स के लिए ट्राई किए, और मैं दादा को कह रही था ऐसे लो ऐसे लो, तो खैर वो तो ऐसे वैसे ही लेंगे। फिर बहुत सारा करते 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 फिर एक मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको रखा। फिर ये सारा जो है क्लिप है जो हम वहाँ पे शूट कर रहे थे, और नुहा भी काफ़ी तंग कर रही थी उसके बाद। तो गाइस मेरा एक पार्सल भी आया था, और ये वीडियो बनाने के चक्कर में अपना टाइम बहुत ज़्यादा उधर ही लग गया था, तो इसी वजह से मैं आप सबसे शेयर नहीं कर पाई। और घर पे जो है अम्मा भी नहीं थी आज, तो उसको ना और मुझे बहुत ही हड़बड़ भी था, और दादा का भी आज जो है उतना फ्री नहीं थे वो, तो फिर मैं वो आप सबसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अगर अकेले वीडियो बनाती तो फिर नवाब और नुहा दोनों मुझे तंग करते, तो मैंने इसीलिए नहीं बना वो वाला शूट ही नहीं किया।
उसके बाद फिर हम छत पे, मैं दोनों को नहलाई, नवाफ़ और नुहा को फिर खुद नहाए। उसके बाद फिर हम लोग आए नीचे, और नीचे आने के बाद फिर जो है तैयारी शुरू हो गई, अफ्तार जो है, रात का खाना क्या बनेगा उसका तैयारी, और फिर अफ्तारी का जो है उसका अलग। और आज जो है नवाफ के बाबा भी आए हैं, तो चले आपको उसको बाबा से भी मिलाते हैं। और ये रोज़ा में उनका पहला दिन है हमारे घर पे, हमारे घर पे नहीं मतलब मेरे मम्मी पापा के घर पे। खैर लड़की का तो वो घर ही नहीं होता शायद, तो हाँ ससुराल अपना, ससुराल बोला ना, ना मायके अपना ना ससुराल अपना, उसी तरह का कुछ भी अपना नहीं है, लड़की का कोई घर ही नहीं होता जब तक। तो वो वाला रील्स देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने, तो छोड़ो। तो यहाँ पे उसके बाबा आए, और पीछे दादा अपना ऑफिस कर रहे हैं। देखो वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा, कितना मज़ा है, सब फैमिली बैठ के आराम से ऑफिस भी हो जाए, और क्या बोलता है, मज़े का मज़े, मस्ती का मस्ती। तो सब यहाँ पे, दादा यहाँ पे काम करते करते बाबू के साथ गेम भी खेला, और जो है उसके बाद दादा का फिर कॉल आ गया, तो दादा उठ के फिर चले गए। और नूहा जो है अपने बाबू जी के साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए, के बाद फिर इफ्तारी की टाइम हो गई, तो हम लोग फिर चले गए इफ्तारी लगाने के लिए। सो गाइस, थर्ड डे का रमज़ान कुछ इस तरह का रहा हम लोग का। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।